नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग तीन स्टॉक्स का डिस्कशन करेंगे, ग्रैन्यूल्स इंडिया, बायोकॉन और मार्क साइंस फार्मा। तो हम देखेंगे कि इन स्टॉक्स में क्या न्यूज चल रही है जिसकी वजह से इनमें गिरावट आई है और चार्ट के माध्यम से इनका एनालिसिस करेंगे। इन स्टॉक्स को चूज करने का रीजन ये है कि इसमें बहुत लोगों के पैसे फंसे हुए हैं, तो मैं चाहता हूं कि लोगों को बताऊं कि इसमें अब हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे जरूर ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां पर हम एडवांस्ड एनालिसिस के बाद कॉल्स देते हैं। मार्केट के इन्वेस्टमेंट रिस्क के अधीन होती है, आप अपने एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही इन्वेस्ट करिए। हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है और हमारे वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है। तो यहां पे देखिए दोस्तों, हम बायोकॉन, हीरो मोटोकॉर्प, ये सब अपने 52 वीक लोस को हिट कर चुके हैं। तो जब स्टॉक अपने 52 वीक लो पे जाता है तो कहा जाता है कि उसमें अभी स्ट्रेंथ खत्म हो गई है। तो ये काफी आप कह सकते हैं नेगेटिव न्यूज है बायोकॉन के लिए। और अगर आप देखेंगे, आप कुछ अच्छी न्यूज भी हम देख लेते हैं, ये करीब दो हफ्ता पुरानी न्यूज है। तो कौन वाइटक्रिस को नॉड मिली थी फर्स्ट इंटरचेंजेबल इंसुलिन के लिए, तो ये काफी बड़ी पॉजिटिव न्यूज थी। हालांकि स्टॉक पे इसका कोई ज्यादा पॉजिटिव बड़ा नहीं, उसका मेजर रीजन ये है कि पूरा का पूरा फार्मा सेक्टर ही हमारा बैठा हुआ है। यहां पे देखिए दोस्तों, अब इस स्टॉक में किया जाए तो क्या किया जाए। यहां पे देखिए कि जो ये एरिया था इसका 375 के आसपास, ये इसका कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। एक दो तीन बार यहां पे बहुत बार इसने सपोर्ट लिया और जैसे इसने 375 का एरिया तोड़ा, क्योंकि सपोर्ट टूटा है तो स्टॉक में फॉल आना एक्सपेक्टेड था। तो अगर आपने 375 के ऊपर लिया हो है तो आपके लिए बेटर रहता कि आप उस टाइम एग्जिट कर जाते, बट अगर आप नहीं कर पाए किसी वजह से तो अब क्या करना चाहिए उसके लिए आइए लॉन्ग टर्म चार्ट देखते। अब यहां पे देखिए, लॉन्ग टर्म चार्ट में देखूं अगर, तो ये जो एरिया है 330-340, ये एक बहुत स्ट्रांग एरिया है और उसके बाद यहां पे है। तो मेरा मानना है आप दोस्तों, अगर 300 के नीचे अगर ये स्टॉक जाए तो आप तुरंत एग्जिट कर जाइएगा, वेट मत करिएगा, क्योंकि उसके बाद 300 के नीचे गया तो फिर 250 तक भी ये स्टॉक जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लोअर लेवल्स पे आप फिर से खरीद सकते हैं। तो 300 तक आप वेट कर लीजिए अगर ऑलरेडी है आपके पास और आप काफी लॉस में है, और 300 के अगर नीचे जाए तो वहां पे एग्जिट कर जाइए, वो बेटर रहेगा। और अगर आप नई परचेज करते हैं दोस्तों, तो उसमें आप छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइएगा 325 का, और 420 तक के टारगेट्स हम लेके चल सकते हैं, पहला टारगेट 380 और फिर 420 टारगेट्स, क्योंकि स्टॉक 52 वीक लो पे है तो 380 इसके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बन चुका है। आइए दोस्तों, अब मार्क साइंस फार्मा के बात करूं दोस्तों, तो इनको लेके जो बहुत बड़ी न्यूज आई थी आज, वो ये है कि इनको भी एक अपने पेन किलर ड्रग के लिए USFDA का अप्रूवल मिला है, जो कि एक काफी अच्छी खबर थी इस स्टॉक के लिए। और यहां देखेंगे इनके रिजल्ट्स को, आइए एक बार देख लेते हैं कैसे आए थे करीब। तो यहां पे इन्होंने अपना जो प्रॉफिट दिखाई थी वो 63 करोड़ की थी, सेल्स 5.5% इनका ईयर ऑन ईयर बढ़ा था। तो यहां पे कोई बहुत अच्छे रिजल्ट्स इनके आप कह सकते हैं कि नहीं आए थे। थोड़े बहुत इनके जो मार्जिन है वो 17.6% हो गई थी, 15% बढ़ के, तो एवरेज रिजल्ट्स आए थे इनके। अगर मैं चार्ट पे देखूं दोस्तों, तो ये स्टॉक एक टाइम यहाँ पे अपर सर्किट्स मार के 100 रुपए तक गया था, बट अब काफी गिर चुका है अपने आप, यहाँ वाले पीक से ये करीब करीब 30% के आसपास गिर चुका है। तो अब इस स्टॉक पे हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, यहाँ दोस्तों ये इसका रिसेंट का लो था 61 के आसपास, तो आपको 60 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाइए, और जो हमारा टारगेट्स रहेगा दोस्तों वो 80 रुपए और 90 रुपए के टारगेट्स को आप एम करके चल सकते हैं। बहुत ज्यादा इसमें आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमारे फेवर पे नहीं है, क्योंकि फार्मा सेक्टर वीक है, तो 80 रुपीज को क्रॉस करने में ये स्टॉक थोड़ा टाइम ले सकता है, लेकिन आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिएगा। ग्रैन्यूल्स इंडिया की अगर मैं दोस्तों बात करूं, तो ये स्टॉक बीच में बहुत भागा था और अभी काफी गिर गया है। इनके जो रिजल्ट आए थे उसमें इनकी नेट प्रॉफिट केवल 8% ही बढ़ी थी, तो इन्होंने 111 करोड़ की नेट प्रॉफिट दिखाई थी। और यहां पे देखिए दोस्तों, जब इनके रिजल्ट्स आए थे तो उसके बाद मोतीलाल ओसवाल जी ने इन्हें टारगेट दे दिया था 440 का, चौकसी जी ने इन्हें दे दिया था 459 का टारगेट। तो इसीलिए आप ऐसा मत करा कर चाहिए कि जो ब्रोकरेज हाउस ने टारगेट दिया है आप उसी के हिसाब से चले, आप अपनी एनालिसिस जरूर करा करिए इनके, क्योंकि टारगेट बहुत सारी चीजों पर डिपेंडेंट रहते हैं, तो कोई गारंटी नहीं होती कि हमेशा सही रहेंगे, तो आप अपनी एनालिसिस करने के बाद ही इन्वेस्ट किया करिए। अब ये देखिए, ये स्टॉक यहाँ पे पहुंचा था, फिर गिर के अब यहाँ पे ये स्टॉक आ गया है। अब इस स्टॉक का नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे दोस्तों, 300 रुपए के आसपास इस स्टॉक का बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो मेरा मानना है आप 290 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा के इसमें पोजीशन बना सकते हैं, और टारगेट्स इसमें आराम से आप 390-400 तक
आराम से आपको मिल सकता है जैसे ये स्टॉक, क्योंकि अगर भागना स्टार्ट करता है तो फिर ये स्टॉक आपका 15-20% एक हफ्ते में ही भाग जाता है। तो 300 के 290 का स्टॉप लॉस लगाइए और 380-390 का टारगेट रखिए। पहला रेजिस्टेंस इसको 360 पे है और उसको तोड़ेगा तो 390 से पहले नहीं रुकेगा। तो ये थी दोस्तों मेरी एनालिसिस, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, उससे हमारा मोटिवेशन बनेगा। आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, ट्रेडिंग बुल्स के नाम से हमारा पेज है। आपके मन में जो भी विचार हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जल्द से जल्द उस पर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।